ग्वालियर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने पुलिस अफसरों की नींद उड़ा दी है। एक शादी समारोह में पंगत पर भोज के बीच तीन युवक राइफल लेकर आए और पंगत के चारों तरफ घूमने लगे। उन्होंने दनादन गोलियां चलाना शुरू कर दिया। युवकों ने 8 से 10 गोलियां चलाई। फायर होते ही लोग सहम गए। घटनाक्रम शहर के थाटीपुर एरिया का बताया जा रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। ASP क्राइम राजेश दंडोतिया का कहना है कि वीडियो से गोलियां चलाने वालों की पहचान करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे, पर पहले यह तय हो जाए कि यह वीडियो कितना पुराना है और कहां का है। उसमें दिख रहे युवकों की पहचान की जा रही है। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर सोमवार को एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि कोई शादी समारोह चल रहा है। यहाँ रात के समय टेबल कुर्सी पर पंगत का खाना चल रहा है। लोग खाना खा रहे थे कि वहाँ 3 से 4 युवक हाथों में राइफल लेकर आते हैं। पहले एक युवक गोली चलाता है, उसके बाद दूसरा युवक, फिर तीसरा युवक। इसके बाद कुछ अन्य युवक उनसे राइफल लेते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। वहां बैठे लोग दहशत में आ जाते हैं। किसी भी शादी समारोह और कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध है। खुलेआम भीड़ के बीच फायरिंग करने से गंभीर हादसा हो सकता है। यह गोली किसी भी पाइप से टकराकर किसी को भी लग सकती है। हर साल हर्ष फायर में कई जान जाती है। पूरे प्रदेश में हर्ष फायरिंग के सबसे ज्यादा मामले ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिलों विशेषकर भिंड, मुरैना और ग्वालियर से आते हैं। हर साल 15 से 20 लोग हर्ष फायरिंग में घायल होते हैं। शादी समारोह के समय फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि ये ग्वालियर का है, ग्वालियर में भी किस थाना क्षेत्र का है, और फिर थाना क्षेत्र में किस मैरिज गार्डन या किसी मोहल्ले का है, और उसको आइडेंटिफाइड करके उनके आरोपियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई।